नमस्ते भैया। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते जी भैया। जी। तो कल हम लोगों ने विवेक पे चर्चा शुरू की थी, ज्ञान पे चर्चा पूरी हो गई है। ज्ञान की चर्चा के क्रम में हम लोगों ने मानव का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और मानव के आचरण का ज्ञान, इन तीन मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा की थी, विस्तार से बात किया था। एक बार ज्ञान मुझमें स्पष्ट होता है, उसके आधार पर मुझमें विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होने का मतलब है कि मुझे मानव लक्ष्य की पहचान होती है। मानव लक्ष्य को देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि हर व्यक्ति में समाधान हो, समाधान के आधार में ज्ञान हो, जिससे हर व्यक्ति निरंतर सुखपूर्वक जी पाए, हर परिवार में समृद्धि हो, समाज में अभय हो और प्रकृति में सहस्तित्व हो, ऐसा हमें दिखाई देता है। अगर वो नहीं होता है तो उसके कारण ही समाज में हर स्तर पर समस्याएं दिखाई देती हैं। तो हम लोगों ने पहले मानव लक्ष्य को संपूर्णता में देखा था, फिर उसको एक एक स्तर पर ऑब्जर्व करना शुरू किया था। अपनी चाहना को देखें तो ये दिखता है कि हम जीना चाहते हैं, हम सिर्फ जीना नहीं चाहते परंतु तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं, सुख पूर्वक जीना चाहते हैं और हम उसकी निरंतरता भी चाहते हैं। तो जीना चाहते हैं, उसकी पूर्ति के लिए सुविधाओं की जरूरत है ताकि हम सर्वाइव कर पाए। सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, अर्थ में संबंधों की आवश्यकता है और निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, इस अर्थ में ज्ञान की आवश्यकता है, सही समझ सही भाव की आवश्यकता है। इसी को भिन्न भिन्न परंपराओं में भिन्न भिन्न विधियों से भिन्न भिन्न नाम दिए गए, सुख शांति संतोष आनंद मोक्ष निर्वाण कैवल्य, ऐसे बहुत तुरीय, ऐसे बहुत सारे शब्द दिए गए, मुक्ति। लेकिन तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक शब्द है जो पश्चिम में प्रयोग हुआ है, परमानंद। तो अल्टीमेटली देखिए पूर्णता चाहते हैं, और जब मुझमें ज्ञान की पूर्णता होती है तो मैं सबके साथ संबंध को देख ही पाता हूँ। मुझमें ज्ञान की पूर्णता होती है तो मैं सत्य को स्वयं में देख पाता हूँ। ज्ञान की पूर्णता होती है तो मैं हर एक के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जी पाता हूँ। तो आशय अगर देखें तो जितने भी ज्ञान परंपराएं रही है, भिन्न भिन्न शब्दालियों का प्रयोग हुआ है, भिन्न भिन्न प्रकार से उनका शब्दों का व्याकरण बना है, भिन्न भिन्न प्रकार से जीने के स्वरूप पर चर्चा हुई है, परंतु उसमें अगर इंटेंशन देखें, आशय को देखें तो एक सत्य का ज्ञान हो जाए, अस्तित्व समग्र जैसा वैसा दिख जाए, है ना। भाव के रूप में देखें तो प्रेम और करुणा का भाव स्थापित हो जाए, हर एक मानव के साथ संबंध दिखे और हर एक मानव के प्रति मैं जिम्मेदार हो जाऊं, प्रेम और करुणा का भाव। और शरीर के लिए सुविधाओं की जरूरत है, परिवार में रहते हुए जब मैं इन सारे लक्ष्यों को पूरा करने जाता हूँ तो परिवार में समृद्धि की आवश्यकता है, तो समृद्धि है ना। जब कह रहे हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, तो आशा यही है कि समृद्धि का भाव हो और करुणा के भाव के साथ जी पाऊं समाज में। तो आशय परंपरा में यही रहा है, और आप देखेंगे तो पाएंगे कि हम सबके लिए चैलेंज भी वही है जो परंपरा में रहा है। अल्टीमेटली हम जहाँ फंसते हैं वो स्थान ये है कि हम सुख को स्वयं में सत्य के ज्ञान के आधार पर, प्रेम और भाव के आधार पर सुनिश्चित ना करके बाहर से मिलने वाले भाव को पूरा करके पूरा करने जाते हैं, तो बाहर से कुछ अनुकूल भाव मिल जाए या शरीर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए। तो एसेंशियली देखें तो चैलेंज तो उतना ही है, मुद्दा उतना ही है, भिन्न भिन्न प्रकार से शब्दालियों को रखते हुए भी अल्टीमेटली हम भी जहाँ फंसेंगे वो यहीं फंसेंगे। कि अगर हम अभी भी सुख के लिए बाहर कोई स्रोत ढूंढ रहे हैं तो फसावट बनी ही रहती है। तो प्रस्ताव हमारे पास जितने भी स्पष्ट रूप से आ जाए, परंतु अगर उसमें जांच परख हम ठीक से ना करें, सुख के स्रोत को स्वयं में देखने का अभ्यास ना करें, तो हम भी फंस जाते हैं। हम फंसते हैं तो हमारे आगे से परंपरा फंस जाती है ना। उपलब्धि की बात यह है कि यूनिवर्सल फॉर्मेट में पूरी बात हमारे सामने आई है, जिसको हम स्वयं में जांच कर जी कर देखने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आगे जो करने का काम है वो ये है कि हमें सुख स्वभाव के रूप में दिखाई दे, सुख के लिए हम है ना बाहर इवन शरीर पर निर्भर ना हो,
मैं अपने समझ और भाव के साथ हर क्षण सुख में बना रहूं। सत्य के ज्ञान के साथ, प्रेम और करुणा के भाव के साथ मैं हर क्षण सुख में बना रहूं। उसके साथ ही मैं शरीर के साथ भी जिम्मेदारी का निर्वाह करूं, परिवार के साथ भी जिम्मेदारी का निर्वाह करूं, समाज के साथ भी जिम्मेदारी का निर्वाह करूं, प्रकृति के साथ भी जिम्मेदारी का निर्वाह करूं। जी बढ़िया जी, नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो इसी लक्ष्य को जब अपने स्तर पर देखते हैं, मानव के स्तर पर, तो स्वयं में दिखता है कि मेरे अंदर ज्ञान सुनिश्चित हो, सही भाव सही विचार सुनिश्चित हो। शरीर के स्तर पर देखते हैं कि भाई स्वास्थ्य ठीक रहे, तो हम अगर अपने इंडिविजुअल गोल्स को बनाते हैं तो बनाएंगे ही कि मुझमें ज्ञान सुनिश्चित हो। कई बार कुछ चीजों को हम मिस कर देते हैं, तो स्वयं में ज्ञान सुनिश्चित हो ये अगर नहीं दिखा तो हमने मान लिया भाई अधिक से अधिक पढ़ाई लिखाई कर लें, अधिक से अधिक सूचना एकत्र कर लें, जानकारियां बटोर लें, तो लक्ष्य ही हमारा गलत बन जाता है। शरीर के स्तर पर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो तो स्वास्थ्य की हम आशा तो बनाए रखते हैं कि स्वास्थ्य बढ़िया रहे, परंतु उस मूल में जो संयम भाव है वो छूट जाता है। वैसे ही मेरे लिए सुविधा की जो आवश्यकता है उसकी मैं ठीक ठीक पहचान कर पाऊँ, है ना, और जो भी सुविधा उपलब्ध है उसका मैं संवर्धन कर पाऊँ, संरक्षण कर पाऊँ, सदुपयोग कर पाऊँ। व्यवहार की बात करें तो मैं दूसरे मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार कर पाऊँ जिससे मैं भी सुखी हूँ, दूसरा व्यक्ति भी सुखी हो। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो यदि सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता के साथ देखें, विश्वास के भाव के प्रमाण के रूप में देखें, तो मैं सबके साथ जुड़कर काम कर पाऊँ, निर्वाह कर पाऊँ, दूसरे से कनेक्ट हो पाऊँ, संबंधों को स्वीकार पाऊँ, और मेरे अंदर बड़ी व्यवस्था में भागीदारी की मानसिकता हो, तो जीने के क्रम में हमें दिखता ही है कि अगर मुझे स्वयं में अनुभव की ओर गति करनी है तो अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करना आवश्यक है। समाज की व्यवस्था में किसी न किसी आयाम में तो भागीदारी करना अनिवार्य है, तो वो भी एक आवश्यक भाग है ना। ये हमारे अंदर मानसिकता बन पा रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि शरीर स्वस्थ रहे, सुविधा पर्याप्त रहे और हमने आशा लगा ली है कि अब तो जीवन सुख पूरा कट जाएगा। कई बार हम ऐसी आशा लगा लेते हैं कि परिवार के सब लोग आज्ञाकारी हो जाए, सुविधा पर्याप्त हो जाए, शरीर स्वस्थ बना रहे, बस बाकी क्या है, फिर तो लाइफ हैप्पी एंड प्रॉस्परस बना रहेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो हमें अपने आप में लक्ष्य दिखाई दे रहा कि नहीं, इसको लेकर कल हमने एक असाइनमेंट भी लिया था कि हम ये देखें कि जब से ये बात शुरू हुई है, जब से आपकी यात्रा स्वयं में जांच परख के क्रम में शुरू हुई है, तो इस समय से आपके स्वयं के लक्ष्य में कोई शिफ्टिंग दिखाई दी है कि नहीं, इसको आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कल अगर आपने थोड़ा सा इस पर काम किया होगा, अलग से अपने आप में ऑब्जर्व किया होगा, तो इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। हम ये देखें, इसमें हमें अभी और काम करना है, कम से कम लक्ष्य का निर्धारण तो ठीक हो, हम ज्ञान को अपने लाइफ में पहली वरीयता दे पाए, सही समझ सही भाव को पहली वरीयता दे पाए। अगर हम इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप को भी देखें तो डे वन पे जहां से बात शुरू होती है कि सही समझ पहली वरीयता है, अगर वरीयता ही लाइफ में सेट नहीं हुआ है, अगर हमारी गोल सेटिंग ही गड़बड़ हो गया है ना, तो फिर हमारा जो विजन बनेगा, जो हमारा मिशन बनेगा, जो हमारा कार्यक्रम बनेगा, उसमें तो चूक हो ही जाएगी। तो ये कम से कम ये तो हम अपने आप में क्लियर होना कि सही समझ पहली वरीयता है, ज्ञान पहली वरीयता है, और उपलब्धि भी ज्ञान ही है। शरीर सामयिक है, सुविधा सामयिक है, ये जो मैं शरीर से निर्वाह कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, ये भी सामयिक है। जो मेरे आसपास सुविधाएं हैं, जो प्रकृति है, उसे भी देखे तो क्षणिकता है। निरंतरता किस चीज में है, तो मुझ में है। मुझ में किस बात में है, तो ज्ञान में है। विचार में भी, विचार की वस्तु बदलती रहती है, जो आस्वादन मैंने पाया है ना, वो भी सामयिक बना रहता है। इच्छाएं बदलती रहती हैं समझ के अभाव में, बट एक बार मेरे अंदर चिंतन, बोध, अनुभव की क्रिया जागृत हो जाए तो उसमें निरंतरता बनी रहती है। इस बात को कम से कम एक बार दो बार हर दिन तो अपने आप में दोहरा के देख ले कि मैं यही उपलब्धि मानता हूँ या कुछ और मानता हूँ, इसको मैं स्वीकारता भी हूँ कि नहीं अपने आप में कि नहीं। बढ़िया दीदी, नेक्स्ट स्लाइड लगा लीजिएगा।
जी, वैसे परिवार के स्तर पे देखें तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक से हो। तो परिवार में भी देखें तो एसेंशियली मनुष्य है, और हर मनुष्य के लिए पहले तो वो गोल तय करना बनता है कि हर व्यक्ति में ज्ञान और समाधान सुनिश्चित हो। तो मुझे अपने बच्चे के लिए जो प्रोग्राम बनाना है वो ये है कि उसमें ज्ञान की पूर्णता हो जाए। अपने स्पाउस के लिए भी जो बनाना है कि उसमें ज्ञान की पूर्णता हो। ठीक, जो बुजुर्ग हैं कम से कम उनका ध्यान तो चला जाए। तो प्रायोरिटी तो वहां पे देख इंडिविजुअल लेवल पे तो ज्ञान की होगी, समाधान की होगी। उसके साथ मैं संबंधों को पहचानता हूँ और संबंधों में मैं तृप्ति का जो आधार देख पाता हूँ वो हर एक मनुष्य में सही समझ सही भाव को इंश्योर करना ही है। तो संबंध कई प्रकार से हैं परिवार में, माता पिता संतान संबंध है या इसके तुल्य है। तुल्य का मतलब हुआ कि जैसे चाचा चाची को कहें, फुआ फूफा को कहें, मौसी मौसा कहें, है ना, तो ये सब तुल्य होते हैं। तो माता पिता संतान संबंध, भाई बहन संबंध, इस तरह के अगर संबंधों को हम देखें तो परिवार में हमें दिखाई देते हैं। इसमें भी हमारा लक्ष्य निश्चित हो और उसमें हम सही भाव से निर्वाह कर पाए। इनफैक्ट एक एक संबंध पे आप एक योजनाबद्ध ढंग से काम करने जाएंगे काफी स्कोप दिखाई देगा। इन सारे संबंधों को चुन चुन कर इन पे काम करना भी आपको एक अपने आप को प्रोजेक्ट जैसा दिखाई देता है कि हाँ, इस पे ठीक से मुझे काम करना है। ये भाई बहन संबंध में कैसे तृप्ति होगी और तृप्ति कैसे बनी रहेगी। अभी छोटे बच्चे की तरह है तो भी, वयस्क हो गए तो भी, विवाह हो गया तो भी, बच्चे उनके भी हो गए तो भी, कैसे इस संबंध में उभय सुख बना रहे कि नहीं, भाई भाई में, भाई बहन में, माता पिता के साथ, बच्चे हैं माँ पिता हमारा केयर कर रहे हैं, बड़े हो गए वो भी अर्न कर रहे हैं हम भी अर्न कर रहे हैं, और हम बड़े हो गए उनका अर्निंग अब रुक गया है हम अर्न कर रहे हैं, उनका शरीर कमजोर पड़ गया है हमारा शरीर पुष्ट है, तो फिर उसमें तृप्ति कैसे होगी। स्पाउस के साथ संबंध में तृप्ति कैसे होगी। तो उसमें भावों की पहचान ठीक हो पाना, एक दूसरे के शरीर के लिए सुविधा की व्यवस्था कर पाना, ये सारा कुछ इसमें शामिल हो जाता है। और उसमें सेवा भी शामिल है। तो सेवा भी अगर देखें तो हम दूसरे व्यक्ति के लिए सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं और शरीर के लिए कुछ आवश्यकता हो तो उसकी सेवा भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे पहले एक रीति के रूप में बना हुआ था कि जो छोटे बच्चे थे दादा दादी या नाना नानी का पैर हाथ लगाएंगे, एक क्रम ही बना रहता था, उसको करते ही थे। अगर चाचा जी का है ना या पिताजी का दबाते ही थे एक, और उसका अपना एक उपकार है। इससे आप पाएंगे कि शरीर के बहुत सारे बात जनित जो रोग होते हैं वो ठीक होते हैं और उससे स्नेह भी बढ़ता है। तो ये दो पीढ़ियों के बीच में एक पूरकता का भाव भी बना रहता है। तो सेवा भी एक अनिवार्य भाग है। वैसे कोई बीमार पड़ गया तो उनकी सेवा करेंगे, किसी का शरीर कमजोर है तो सेवा करेंगे, शरीर छोटा है तो सेवा करेंगे। तो ये भी एक अनिवार्य भाग है परिवार में, और परिवार का ये एक महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीने में। स्नेह के भाव के साथ हम एक दूसरे के पूरक बने रहते हैं। वैसे परिवार में सुविधा की जो आवश्यकता है उसका उत्पादन करना ताकि परिवार में समृद्धि का भाव हो, इसमें भी समझ के साथ सुविधा की आवश्यकता का सही निर्धारण कर पाना, फिर उसका उत्पादन करना, फिर जो उत्पादित वस्तु है उसका सदुपयोग करना, जो सही क्रम में प्रयोग हो, अनावश्यक रूप से संग्रह तो नहीं कर रहे, भोग तो नहीं कर रहे, भोग के लिए संग्रह के लिए लाभ कमाने के लिए तो योजना नहीं बना रहे और उस लाभ के लिए दूसरे का शोषण तो नहीं कर रहे, वहां भी दूसरा व्यक्ति के साथ जो संबंध है उसको ठीक से निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार परिवार में समृद्धि के भाव को सुनिश्चित करना, इसमें आवश्यक होगा कि हम परिवार में साथ साथ बैठे और चर्चा करें। चर्चा बहुत फॉर्मली बैठकर एक टेबल पे ही हो कोई जरूरी नहीं है, परंतु साथ साथ बैठे और एक दूसरे के भावों को समझें, अपने भाव दूसरे तक पहुंचाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि परिवार में जब हम सही भाव को नहीं देख पाते हैं तो धीरे धीरे वो गैप्स बढ़ने लगते हैं। फिर या तो अगला व्यक्ति स्वीकार ही लेता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है और किसी तरह से उस व्यक्ति के साथ जीवन काटना है ना, या फिर रिलेशन को ड्रॉप करने का विचार करने लगता है। तो एक पीढ़ी पहले देखें तो ये मान्यता बना लेते थे लोग कि भाई ठीक है, अगला व्यक्ति इतना ना समझ है, अब बहुत सारी मान्यता के साथ हम स्वीकार लेते थे कि अब किसी भी तरह हो किसी व्यक्ति के साथ जीवन काटना है ना, और उसके लिए पीछे हमने बहुत सारे तर्क जुटा लिए, बहुत सारे
विचार उठा लिए, शास्त्रों से कुछ वाक्य उठा लिए और मान के जीते थे। जब जैसा भी हो इसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार निर्वाह कर ले जाना है ना, यही हमारे लिए आगे के लिए एक मात्र उपाय दिखाई देता है। परंतु अब की पीढ़ी ने उसको क्वेश्चनिंग शुरू कर दी है कि तो इसी व्यक्ति के साथ निर्वाह करना है, अगर कंपेटिबिलिटी नहीं है, अगर भाव में तृप्ति नहीं है ना, अगर लक्ष्य अलग अलग प्रकार के हैं तो क्यों एक व्यक्ति के साथ निर्वाह किया जाए, क्यों संबंधों को ढोया जाए। तो फिर वहां पे पिक एंड ड्रॉप शुरू हो जाता है ना, उसमें भी जो भी लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो कुछ कर सकते हैं लोग उसको करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत सारा व्यतिरेक परिवार में शुरू होता है। तो बहुत जरूरी है कि बैठकर आपस में संवाद हो और संवाद का आधार भी स्वयं में जांच परख हो, अपनी सहस्वीकृति को स्वयं में देख पाना, दूसरे तक शेयर कर पाना, दूसरा भी स्वयं में अपनी सहस्वीकृति को देख पाए और हम तक शेयर कर पाए। तो ये एक आवश्यक भाग है संबंधों के निर्वाह में। फिर अगली पीढ़ी तैयार करना है ना, अगली पीढ़ी को जन्म देना और उसके फिर मैं और शरीर दोनों का ठीक से ध्यान रखना, फिर वो जिम्मेदारियां भी देखना, स्वीकारना उनको जो परिवार की समाज में है। तो परिवार भी एक समाज का हिस्सा है, विश्व परिवार की एक इकाई है। तो परिवार आइसोलेशन में नहीं जी रहा है, परिवार की आवश्यकताएं समाज से ही पूरी हो रही है। उसी समाज में हम जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, विनिमय करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो हमारे परिवार की आवश्यकताएं पूरी होती है। परिवार में विवाह होता है तो समाज से ही होता है ना, तो समाज के प्रति भी हमारे कुछ दायित्व है, उसको भी देख पाना और परिवार समूह में, परिवार समूह से आगे बढ़कर ग्राम में और आगे बढ़कर और बड़े समूह में उसके पूरा करने के लिए कार्यक्रम बना पाना। तो जब 10 स्टेप्स में हम ह्यूमन ऑर्डर को देखते हैं तो ये भी आवश्यक होता है कि परिवार का एक व्यक्ति परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, फिर ऐसे कई प्रतिनिधि मिलकर आगे जो समूह बनता है उसमें प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हुए हम समाज में एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए पूरे समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। तो परिवार में कोई एक व्यक्ति तो होगा जिसको रिप्रेजेंट करेगा आगे बढ़कर, है ना, फिर उसके आगे बढ़कर कुछ और रिप्रेजेंटेशन होगा और धीरे धीरे फिर वो बात आगे तक जाएगी ताकि पूरे समाज की व्यवस्था के लिए काम किया जाए। बहुत सारे ऐसे योजना कार्यक्रम होते हैं जो समाज के स्तर पर ही पूरा होंगे। अगर गाँव में नदी का पानी फैल जा रहा है तो बांध बनाना जरूरी है, बांध कोई परिवार अकेले तो नहीं बनाएगा, कई परिवारों के समूह मिलकर आपस में योजना बनाएंगे, उनके प्रतिनिधि आपस में बैठेंगे, कार्यक्रम बनाएंगे। कोई पुल बनाना है, सड़क ठीक करानी है, तो अल्टीमेटली देखें तो अभी हम एक प्रकार से चल रहे हैं, चुनाव करते हैं, डेमोक्रेसी है और उस प्रकार से चलते हैं, बट एसेंशियली देखें तो क्या हो रहा है कि परिवार से अगर हम विश्व परिवार व्यवस्था की बात करें तो परिवार व्यवस्था के आधार पर उसके आगे उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसके आगे उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और अगर परिवार में ही हारमोनी है, सही समझ सही भाव है, तो इतना सारा जो झगड़ा फसाद लड़ाई होता है उसकी जरूरत नहीं होगी। हारमोनियसली हम इस तरह की समाज की आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और एक अगली जिम्मेदारी ये भी है कि हर परिवार परंपरा में कोई ना कोई सूचना स्किल है ना, ज्ञान, इसकी परंपरा बनी रहती है, कोई उत्पादन कला, उसको संयोजित बनाए रखना, संरक्षित बनाए रखना, वो पूरा होता रहे। जैसे कहीं पे कपड़ा बुनने का काम हो रहा है, कारीगरी का काम हो रहा है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो उसको कैसे हम संरक्षित रहें, अगर उपयोगी है, अगर उपयोगी नहीं है तो फिर रहने दो। तो आप यूपी में भी पाएंगे कि जैसे भी सरकार के द्वारा की स्कीम आई है 1 District 1 Product, तो उसमें क्या होता है कि हर जिले में कोई ना कोई प्रोडक्ट है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम करते रहे, है ना, कहीं पे बर्तनों को बनाने का, कहीं पे कालीन बनाने का, कहीं पे साड़ी और कपड़ा बनाने का, कहीं पे कोई खाने की वस्तु बनाने का चलता आ रहा है, और उसका अपना एक उपयोग है ना, उसके जो उसमें कला शामिल है उसको लोग अच्छे से सीख पाते और कर पाते, तो ये भी एक उसका आवश्यक भाग है। वैसे किसी परिवार में संगीत का हो सकता है, किसी परिवार में आयुर्वेद का हो सकता है जी। तो परिवार के स्तर पर देखें इस तरह के लक्ष्य दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं दीदी, समाज के स्तर पे देखें तो जहाँ परिवार परिवार साथ मिलकर जी रहे हैं तो सगे संबंधियों के साथ निर्वाह कर पाना, मित्रों के साथ निर्वाह कर पाना, तो परिवार से आगे बढ़े तो मित्र मित्र संबंध है, व्यवस्था संबंध है, व्यवस्था में जुड़ के जहाँ हम काम कर रहे हैं, व्यावसायिक संबंध है,
तो उनके साथ भी संबंधों का, संपर्कों का ठीक से निर्वाह कर पाना, संपर्क उनको कहा जो अपरिचित है परंतु है तो हमारे संबंधी, तो उसमें विश्वास का भाव शामिल हो, विश्वास उसके आधार में हो, ताकि समाज में अभय में हम भागीदारी कर पाए, एक अभय का वातावरण बना पाए। कुछ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है समाज के स्तर पे, तो जैसे भी बात हो रही थी उनको ठीक से पहचान पाना, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, न्याय का हो, सुरक्षा का हो, उसको पूरा कर पाना, वैसे समाज में एक ऐसे वातावरण को तैयार कर पाना ताकि परिवार उसमें समाधान समृद्धि के साथ जी पाए, भय का वातावरण ना हो, असुरक्षा का वातावरण ना हो, परिवार उसमें ठीक से रह पाए, है ना। अगली पीढ़ी के लिए अनुकूल वातावरण हो, अनुकूल शिक्षा हो, ताकि उसमें सही संस्कार विकसित हो पाए, तो ये भी एक आवश्यक भाग है, एक लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। तो जो परिवार की सिस्टम्स बने हैं, सोसाइटी के सिस्टम्स बने हुए हैं, उनको प्रिजर्व रखना, उनको ठीक से व्यवस्थित रखना, और आगे बढ़कर देखें तो अगर देश के स्तर पे देखें, राष्ट्र के स्तर पे देखें, तो संविधान बना पाना, एक संविधान कोई ठीक से रचना कर पाना, स्थापित कर पाना, जिससे हर मनुष्य के लिए मानव लक्ष्य की पूर्ति के लिए सुलभता बने। और फिर अगर हम अंतरराष्ट्र के स्तर पे देखें तो हर राष्ट्र के साथ संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक जीने की योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन पूरा कर पाना। अब ये सब एक आवश्यक भाग तो है, भले हमको बहुत बड़े काम लगते हैं ये, परंतु आवश्यक है और ठीक से देखिए अनिवार्य है। अगर ये पूरा नहीं करेंगे तो समाज में अव्यवस्था बनी रहेगी। तो समाज को, एक तो हमारा नियर बाई लोकैलिटी है परिवार से बाहर, परंतु उसको फैलाते जाए 10 स्टेप में देखते हैं तो राष्ट्र भी दिखता है, अंतरराष्ट्र भी दिखता है। उस स्तर पे भी हमारी दृष्टि तो बनी रहे, है ना। ऐसा नहीं कि दो देशों में युद्ध हो रहा है तो हम एक देश के पक्ष में विचार करके युद्ध के लिए एक प्रकार से विचार कर रहे हैं, अंदर में विरोध का भाव बना हुआ है, ऐसा नहीं। हमें दिखे कि युद्ध अनावश्यक है, क्या ऐसा किया जाता ताकि इस युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो मानसिकता है हमारी युद्ध की, हिंसा की, है ना, वो फिर परिवार में भी परिलक्षित होने लगता है। हम टीवी पे न्यूज देख रहे हैं और कोई भाषा बोल रहे हैं, बच्चा हमारा सुन रहा है तो कह रहा, देखिए यहाँ तो संबंध की बात हो रही है और वहां पे विरोध के लिए अप्रिसिएशन दिया जा रहा है, ऐसा कैसे। तो उसमें गलत संस्कार तैयार होता है। तो हमारी दृष्टि तो सही रहे, हमारी दृष्टि तो मानवीय व्यवस्था करती हूँ, हमारी दृष्टि तो सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा करती हूँ, उसी दृष्टि के साथ फिर हम विचार भी हर जगह करेंगे, चाहे दो देशों के बीच संबंध की बात हो, दो कम्युनिटीज के बीच संबंध की बात हो, है ना जी। तो समाज के स्तर पर यह दिखाई देता है। प्रकृति के स्तर पर देखें तो प्रकृति का मैं एक हिस्सा हूं ये हमें दिखाई दे, और पूरी प्रकृति में हमारी भागीदारी है, जिम्मेदारी है, ये भी दिखाई दे। तो अगर कहीं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, कहीं संसाधनों का अभाव हो रहा है, कहीं प्रदूषण फैल रहा है, तो हमको दिखाई दे कि इसमें मेरा भी रोल है ना। मैं जो सुविधाओं का प्रयोग कर रहा हूं किस विधि से कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं। तो प्रकृति की हर एक इकाई के साथ हमें अपना संबंध दिखाई दे, उसमें पूरकता दिखाई दे। ठीक, अगर गौरैया पक्षी आज से 10 साल पहले दिख रही थी, अब दिखनी बंद हो गई है, तो हमारे लिए कंसर्न का मुद्दा है। मैना पक्षी पहले दिखती तब नहीं दिख रही है, तो कंसर्न का मुद्दा है। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने बंद कमरे में ही रहकर जीने की योजना बनाता हूँ, मैं प्रकृति की ओर भी देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ये पेड़ पौधे ये पुष्ट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक से पशु पक्षी बने हुए हैं कि नहीं। अगर कोई पशु मोहल्ले में घुस जा रहा है और तबाह कर रहा है लोगों को, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उस पशु के रहने के लिए जो नैसर्गिक रूप से जगह थी वो हट गई है, बिगड़ गई है, ये भी हमारे लिए एक मुद्दा है। तो पूरे प्रकृति के संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग की हम बात करेंगे। अगर पशुओं की संख्या घट रही है, कीट पतंगों की संख्या घट रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर ध्यान देंगे। इसके लिए हम लोग बहुत सारी चर्चा भी की थी। और जिस विधि से हम उत्पादन करके अपने परिवार की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, वो भी कैसी हो, तो वो साइक्लिक हो, प्रकृति में चक्रियता बनी हुई है, उसका निर्वाह हो, और इस प्रकार से उत्पादन करें कि हर इकाई समृद्ध हो। अगर मैं खेती करता हूँ तो खेत पहले से बेहतर बने, हवा पानी पहले से बेहतर बने, और हमारे परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बने। अब आप पाएंगे कि ये सब बातें कहने सुनने में तो काफी अपीलिंग लगती है, बट हम जब इसको जीने जाते हैं तो हमको बहुत सारे चैलेंजेस लगते हैं, तो ठीक बात है। बट आपको ये भी दिखाई दे कि चैलेंज प्रकृति के साथ नहीं है, चैलेंज मनुष्य के साथ है।
कठिनाई जो हो रही है मनुष्य के साथ हो रही है, हमें विनिमय में कठिनाई आती है क्योंकि लोग लेन लेन के भाव से चल रहे हैं, है ना। अभी लोग उन्माद में जी रहे हैं, उस उन्माद के लिए प्रकृति का दोहन शोषण, समाज का दोहन शोषण करने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए हमको अगर हम कोई मानवीय विधि से उत्पादन भी करते हैं तो उससे परिवार की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इस पर आश्वस्ति नहीं बनती। तो उसके मूल में जो शिक्षा संस्कार का काम होना है, न्याय पे काम होना है, व्यवस्था पे काम होना है, संविधान पे काम होना है, उसको भी हम पूरा करते चलेंगे। बट हमको अल्टीमेटली विजन तो दिखाई दे यही कि हमें अपने परिवार की आवश्यकता इस विधि से पूरी करनी है, जो सस्टेनेबल हो, जिसमें पूरकता हो, जो प्रकृति के चक्र को ओबे करता हो, उसके अनुसार पूरा करे, उसके अनुसार उत्पादन हो, जो है ना प्रकृति के हर इकाई को समृद्ध करे, न कि प्रकृति का दोहन शोषण करे। तो उस मानव लक्ष्य को, इस समाधान समृद्धि अब अस्तित्व को जब फैला करके अवसर को और विस्तार से देखते हैं, इसका पूरा एक विज्ञान निकल कर आएगा, लक्ष्य की और स्पष्टता बनेगी, लक्ष्य की और बारीकियां दिखाई देंगी, है ना। जिसपे हम लोगों ने अभी इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, इन चारों को और विस्तार से रखने का प्रयास किया। तो प्रकृति के अवसर पर अस्तित्व, बट अस्तित्व को फैलाएंगे तो इसको देखेंगे ना कि उत्पादन में कैसा कार्यक्रम बनेगा, संयम के साथ जीते हुए कैसा कार्यक्रम बनेगा, विनिमय करते हुए कैसा कार्यक्रम बनेगा, कोष करते हुए कैसा कार्यक्रम बनेगा, ताकि प्रकृति हरी भरी बनी रहे, समृद्ध बनी रहे कि नहीं। तो ये इसमें स्वयं में एक्सप्लोर करने के लिए, फैला कर देखने के लिए, उसका चित्रण करने के लिए बहुत सारे स्कोप है। अब इस कोर्स के बाद आप पाएंगे कि अभी जो कुछ लेक्चर हम लोग ले रहे हैं तो मूल में जो ज्ञान था उस पर चर्चा हो गई, अब जीने की बातें हो रही हैं, इस ज्ञान के साथ हमारा आचरण कैसा हो, उस आचरण के ही विस्तार में कैसी योजना बनाए, कार्यक्रम बनाए, है ना। तो उस पर काफी कुछ स्कोप होगा और हम इसको एनालाइज करना शुरू करें, इसको देखना शुरू करें कि हम जहाँ जी रहे हैं वहां से हमारे पास क्या स्कोप है शिफ्टिंग के लिए, क्या स्कोप है चीजों को और बेहतर करने के लिए कि नहीं, क्या हम रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, क्या हम घर में अनावश्यक सुविधाओं को हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्या हम प्रदूषण को कम करने में कोई भागीदारी कर सकते हैं कि नहीं, क्या जो पानी हमारे घर से निकल रहा है उसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपने लिए देखने के लिए है। जी दीदी, इसको ही अगर हम देखें तो एक और पॉसिबिलिटी है, और दूसरे विधि से भी देख सकते हैं विवेक की अगर बात करें, मानव लक्ष्य को जिसको परंपरा में रखा गया है और उसको, जी दीदी नेक्स्ट करिएगा, उसको अगर हम सही क्रम में रखें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस रूप में रखना बनता है। आमतौर पे इस रूप में भाषा मिलती है वो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की मिलती है, परंतु जिसका सही क्रम बनता है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बनता है। आप गूगल भी करेंगे तो इस रूप में लक्ष्य दिखाई देगा, है ना। ये परंपरा में हमारे यहाँ आस्तिक दर्शनों में इसको विधिवत रखा गया है, और इसको अगर आप कनेक्ट करेंगे तो समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व यही समतुल्य है। तो समाधान भी क्या है, धर्मपूर्ण विचार, विचार के आयाम में है ना धर्मपूर्ण विचार हो तो उसी को समाधान कहा। तो धर्म कनेक्ट होता है समाधान के साथ, अर्थ तो जो उन्होंने भी सुविधा की डिस्कशन किया कि सुविधा की आवश्यकता की पहचान हो और उसको हम ठीक से पूरा कर पाए ताकि परिवार में समृद्धि हो। तो अर्थ के लिए जब हम काम कर रहे हैं यानी परिवार में समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। काम, काम का अर्थ दो प्रकार से लिया गया है, एक तो जो आवेश के रूप में है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आवेश, है ना, मद मास्टर, इस तरह के रूप में भी एक काम शब्द का प्रयोग हुआ। बट यहाँ जो काम शब्द का प्रयोग हुआ है वो यसनाओं के रूप में हुआ है। यसनाएं का मतलब हुआ कि समाज में व्यवस्था स्थापित हो, समाज में अभय स्थापित हो, समाज में सही के प्रति स्वीकृति बने, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी स्वीकृति बनी रहे, तो इसको काम के रूप में रखा गया है। तो जब हम धर्मपूर्ण विचार करते हैं, परिवार की आवश्यकता पूरी करते हैं, परिवार में समृद्धि सुनिश्चित करते हैं, तो फिर हम समाज के स्तर पर एक मानवीय परंपरा के लिए स्वीकृति योजना, है ना, कार्यक्रम बनाने के लिए जो भागीदारी करते हैं उससे समाज में अभय स्थापित होता है और सहस्तित्व को हम देख पाते हैं स्वयं में, यही मोक्ष की स्थिति है। तो समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व को ही अगर हम एक प्रकार से देखें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में दिखाई देता है, इसको प्रॉपरली अगर प्लेस करें तो।
जी दीदी, नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो अर्थ की बात करें तो सुविधा, और सुविधा में क्या दिखाई देता है, तो जो भी भौतिक रासायनिक वस्तु हैं, प्राकृतिक संसाधन भी है, मन और तन भी है, तो इनके सबके योग संयोग से हम उत्पादन करते हैं, जिससे हमको परिवार की आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो सुविधा की आवश्यकता है वो इस प्रकार पूरी हो कि मानव के साथ न्याय हो और शेष प्रकृति के साथ पूरकता हो, तभी वो स्वधन है ना। तो जब हम स्वधन को पूरा करने जाते हैं तो हम प्रकृति के नियमों को भी समझते हैं और स्वयं में सही समझ सही भाव को भी इंश्योर करते हैं। तो इस प्रकार से हम सुविधाओं की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं जो कि प्रकृति के नियमों को ठीक से पूरा करे, है ना, और मानव के साथ संबंध के निर्वाह को भी ठीक से सुनिश्चित करे। तो सुविधा को हम पूरा करते हैं और जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं, पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में, उसको इस विधि से पूरा करते हैं कि हमारी आवश्यकता भी पूरी हो और दूसरे की आवश्यकता भी पूरी हो। दूसरे की आवश्यकता पूरी होगी सही विधि से, तभी न्याय भी सुनिश्चित होगा। तो अर्थ के लिए जब हम योजना कार्यक्रम बनाते हैं इस प्रकार से बनाते हैं। जी नेक्स्ट विधि, काम की बात करें तो तृष्णाओं की पूर्ति हो, तृप्ति हो। तो जब हम इनको पूरा करने जाते हैं तो प्रकृति के नियमों को भी समझते हैं और उसके साथ जो अर्थ को जोड़कर देखते हैं, तो स्वयं में जो हमारी मूल चाहना निरंतर सुख, उसको पूरा करने के लिए योजना बनाते हैं। समाज के स्तर पर जो मानव लक्ष्य है उसको पूरा करने की योजना बनाते हैं और उसी को देखें तो जो सिस्टम्स हैं समाज में, उन योजना उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके लिए भी योजनाएं बनाते हैं, जिससे हर व्यक्ति में सही के प्रति स्वीकृति स्थापित हो, हर व्यक्ति में ज्ञान समाधान सुनिश्चित हो, जिससे समाज में अभय बना रहे। तो काम के रूप में ये लक्ष्य दिखाई देता है। जी नेक्स्ट दीदी, धर्म के रूप में देखें तो जो प्रकृति के नियम है, यानी जो अस्तित्व की व्यवस्था है, उसको हम समझकर उसके अनुसार जीने की योजना बनाते हैं। तो जो भी हमारे जीने का नियम है वो इसी अर्थ में, संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में हो। तो जो हम जब इसको पूरा करने जाएंगे तो हम संबंध के चिंतन पे काम करेंगे, व्यवस्था के बोध के लिए काम करेंगे, अस्तित्व के अनुभव के लिए काम करेंगे। तो जब हमारा जीना इस आधार पे होगा तो जो अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकताएं हैं उसको समझकर हम उसको पूरा करेंगे, तो हम संबंध को समझेंगे ही, व्यवस्था को समझेंगे और उसके अनुसार जिएंगे। हमारा व्यवहार कार्य जो होगा उसी के अनुसार होगा, जो सामाजिक नियम प्राकृतिक नियमों को पूरा करेगा। तो ये हम देखते जी भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते। ये तो भैया कि जब जैसे अभी आप समझा रहे थे कि इसना के बारे में, इसना त्रय जो हम लोग परंपरा में भी सुन रहे हैं, सुतेष्णा, वितेष्णा और लोकेष्णा, तो मेरा प्रश्न ये है कि ये हमारे लिए सही है या ये सही नहीं है, या इसका एक सही मात्रा हमारे अंदर होना सही है, या किसी एक ही एष्णा का होना सही है, इसी पे कुछ अपने में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो वही पूछना चाह रहे थे। जी एष्णाओं को समझे तो अल्टीमेटली ज्ञान समाधान के अर्थ आधार पर ना, जो हमारे में इच्छा बनती है उसके स्नाव के रूप में रखा गया है। तो हर मानव में सही के प्रति स्वीकृति हो, हर परिवार में समृद्धि हो कि नहीं जी, तो हर मानव में सही के प्रति स्वीकृति हो उसको लोकेष्णा के रूप में रखा गया है, हर परिवार में समृद्धि हो उसको वितेष्णा के रूप में रखा गया, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा बने इसकी, उसको पुत्रेष्णा के रूप में रखा गया है। तो स्नाव को सही विधि से समझे तो इस रूप में ही दिखाई देता है, जो ज्ञान के बाद हमारा आचरण है उसके प्रमाण के रूप में जाता है। जी जी भैया जी, ठीक, धन्यवाद भैया, सभी का धन्यवाद, नमस्ते जी। जी नमस्ते। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो व्यवहार के नियम है या सामाजिक नियम है और जो प्रकृति के नियम है, ये प्रकृति की मूलभूत जो वास्तविकताएं हैं इसके आधार पर हैं,
और ऐसा नहीं कि हमने अपने मान्यताओं के आधार पर कुछ बना लिया है, तो नियमों को जैसा है वैसा समझना बनता है, ना कि इसके बारे में अपने विचार के आधार पर कुछ बना लेना बनता है। तो ऑलरेडी देखें तो अस्तित्व में नियम बना हुआ है, उसी नियम को फैलाकर हमने चार अवस्थाओं की स्वयं में व्यवस्था के रूप में, व्यवस्था में भागीदारी के रूप में अध्ययन किया था, है ना। तो उसके आधार पर ये सारे नियम जो जड़ वस्तुओं में है, जो चैतन्य में है, तो जड़ और जड़ के बीच जो संबंध है, जड़ चैतन्य के बीच जो संबंध है, चैतन्य चैतन्य के बीच संबंध है, उन सबको नियमों के रूप में हमने समझने का प्रयास किया है। तो हम ये देख सकते हैं कि जितना हम इस नियम को समझ पाते हैं उतना ही उसके अनुसार जी पाते हैं, ठीक है ना। और जब जीने जाते हैं तो हम उसको संप्रेषित करते हैं, दूसरों तक भाषा देते हैं पहुंचाने के लिए, तो समय समय के अनुसार अलग अलग तरह की भाषाएं दी गई हैं। तो भाषा तो अल्टीमेटली इस नियम को ही दूसरे तक संप्रेषित करने का एक माध्यम है। कई बार ये होता है कि उन भाषाओं में फंस जाते हैं, जब भाषाओं में फंस जाते हैं तो फिर हम तक सही वस्तु नहीं पहुंचती, कि नहीं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इसके अर्थ में जाएं और उसको फिर समझने जीने का प्रयास करें। जी, ये नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो हमने धर्म की बात की, वैसे मोक्ष की बात करें तो मोक्ष का मतलब हुआ कि अस्तित्व सहस्तित्व के रूप में दिख जाए तभी मुक्ति है, उससे कम में कहीं ना कहीं हमारे अंदर शंका भय बना रहेगा, अस्तित्व के किसी एक भाग को लेकर कहीं ना कहीं हमारे सुख का स्रोत बाहर बना रहेगा। तो अस्तित्व को जैसा है वैसा मैं स्पष्ट रूप से देख पाऊं, जिससे मैं बंधनों से मुक्त हो पाऊं। और बंधन भी क्या है, ये जो दूसरों से अनुकूल भाव पाकर सुखी होने का मैं इच्छा रखता हूँ, ये बंधन है। जो शरीर से मिलने वाली संवेदना से मैं सुखी होने की अपेक्षा रखता हूँ, ये बंधन, इससे मैं मुक्त हो जाऊं, ठीक है ना। तो उसको आप मुक्ति के रूप में देखें। तो मुक्ति कहने से लगता है कि अपूर्ण बात है, तो युक्ति कहें। तो बेसिकली इन बंधनों से मुक्ति का मतलब ये हुआ कि ज्ञान से युक्ति हो जाए, तो युक्ति के साथ हमको आगे कैसे जीना है ये भी और स्पष्ट हो जाता है। जब हम मुक्ति की बात कहते हैं तो ऐसा लगता है जो पीछे है उससे छूट जाए, है ना, उससे पीछा छूट जाए। बट युक्ति की बात करते हैं तो आगे कैसे जीना ये भी स्पष्ट होता है। तो अल्टीमेटली देखें तो बात उतनी ही है ना, उसी को मोक्ष के रूप में रखा गया है। तो हम आगे, जी रेणुका जी कह रही है कि बंधन तब तक जब चाहना नहीं। देखिए हमारे अंदर आशा तो फिर भी बनी रहेगी, है ना, सुखी होने की, बट उसके लिए हमारे अंदर आधार भी बना रहेगा, ज्ञान और समाधान। विचार हमारे अंदर फिर भी चलेंगे बट अब समाधान पूर्व चलेंगे, इच्छाएं बनी रहेंगी बट जो इच्छाएं होंगी और वो संबंध व्यवस्था संस्कृति के अर्थ में होंगी। तो आशा से मुक्त होना है, विचार से मुक्त होना है, इच्छा से मुक्त होना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, इनका आधार ज्ञान होना है ऐसा कहा जा रहा है। तो इसी को मुक्ति के रूप में पहचाना गया। और जब मुक्त होते हैं तो फिर हम आगे युक्त होते हैं, व्यवस्था के संबंध में संस्कृत में युक्त होते हैं। तो इसको जब हम करने जाते हैं, इसको जब हम पूरा करने जाते हैं, तो इसमें धर्म अर्थ काम ये सारा जुड़ जाता है, कि नहीं। तो मानव लक्ष्य को समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व इस रूप में भी पहचान सकते हैं, और इस रूप में भी पहचान सकते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बट इनके शब्दों के सही अर्थ में जाने की जरूरत है ना, नहीं तो ये मिसलीडिंग हो सकता है, उसके अर्थ को भी ठीक ठीक समझेंगे। जी, इतनी बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, मतलब ये जो अभी चर्चा चल रही है तो इसका सार एक आपने बताया कि ज्ञान के बाद आदमी को मुक्त के जगह युक्त होना चाहिए, ऐसा बताया है ना भैया, युक्ति युक्ति। तो आजकल जो हम कई बार मुक्ति भी कहा गया है, क्या बोल भैया, होंगे किसी चीज से तो किसी चीज से युक्त भी होंगे। हाँ हाँ हाँ, तो मैं थोड़ा सा ये करना चाह रहा हूँ, जो हम बच्चों को अभी डेवलप करना जा रहे तो युक्ति कर रहे, तो युक्ति से जो इनोवेशन हो रहे अभी, तो क्या वो इनोवेशंस को हम रियल युक्ति बोल सकते हैं अपने संदर्भ में, अभी यूएचवी के संदर्भ में इनोवेशंस, इनोवेटिव आइडियाज को छोड़ देंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। तो पहले हम धर्म अर्थ काम को समझेंगे तब तो ये मोक्ष समझ में आएगा। अच्छा, तो हम अच्छा। इनोवेशन भी कर रहे हैं तो किस अर्थ में कर रहे हैं, ज्ञान समाधान के अर्थ में कर रहे हैं या किसी और अर्थ में कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, या फिर
अच्छा मतलब बच्चों के दोहन के लिए अगर इनोवेशन कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, प्रकृति के पोषण के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, मानव के शोषण के लिए कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, मानव के सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। तो स्टार्टअप या इनोवेशन कैसा कर रहे हैं ये देखना होगा, कि ऐसा नहीं कुछ भी करेंगे। आदमी अभी सेंजुअल प्लेजर्स में उलझा हुआ है ना, अभी आप देखिए इतने सारे गेम्स बन रहे हैं है ना, अब वो जुआ जो पहले लोग छुप छुप के खेलते थे अब उसके ऐड बन रहे हैं, फिल्मी एक्टर्स ऐड दे रहे हैं उसका, है ना, वो भी इनोवेशन है कि घर घर खेलिए जुआ, बच्चे जुआ खेल रहे हैं, लाखों रुपए कर्ज में जा रहे हैं, इसके लिए माँ पिता की हत्या कर रहे हैं, अब ये कौन सा इनोवेशन है। हाँ, आगे वो बिटकॉइन्स वो भी कुछ और आगे जाके ऐसा भी आया था कुछ। अगर हम समाधान समृद्धि को ना समझें है ना, अभय को ना समझें और फिर हम कुछ भी इनोवेशन करने जाए, अस्तित्व को ना समझें कुछ भी इनोवेशन करने जाए तो फंस जाएंगे फिर। जी जी, तो भैया हमको बच्चों में ये भी डालना है, मतलब जो हम अभी समाज सुधारने की बात या यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में जा रहे हैं, तो ये जो इनोवेशन का पेटेंट ग्रांट होता है वो समाज उपयोगी रहेगा तो ही ग्रांट होता है ना भैया? कोई जरूरी नहीं है, वो तो पेटेंट ग्रांट करने वाले पे निर्भर है। और दूसरी बात है मैडम, आप कोई समाज सेवा की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ना उन शब्दों के अर्थ में ठीक से जाने की बात हो रही है। हम कोई समाज सेवा के लिए नहीं ये कर रहे हैं, हम तो सुखी होने के लिए कर रहे हैं, और सुखी होने के लिए ये भी करना ऐसा नहीं, हमको लगता है यही आधार है, मेरे सुख का आधार सही समझ सही भाव भी है, भी है यही है, यही ये भी नहीं यूज करने जी जी, मेरे निरंतर सुख का आधार सही समझ सही भाव ही है, ये अपने आप में देखना है। तो ये बिल्कुल ध्यान रहे, नहीं तो क्या होता है कि जब हम बच्चों से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम ऐसा रख देते हैं, कई बार जैसा लगता है कि उपकार के लिए या दूसरों के सुधार के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, बराबर है, ये जो भी कर रहे हैं अपन योजना कार्यक्रम बना रहे हैं, अगले के भी सुखी होने के लिए हम योजना कार्यक्रम बना रहे हैं। मतलब ये तो हम बोल ही सकते ना कि ये योजना कार्यक्रम से मुझे निरंतर सुख मिल रहा है, तो इसमें भी आप जाके देखिए, इतना तो हम बोल सकते भैया, समाज वर्ड नहीं यूज करेंगे, लेकिन इसमें मुझे मैं कह रहा हूँ कि कोई हम समाज सुधार के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं, तो समाज भी शब्द प्रयोग करेंगे, परिवार भी करेंगे, मानव लक्ष्य हमको दिखाई दे रहा है, हम उसकी पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम निरंतर सुख पूर्वक जी रहे हैं, उस क्रम में हम कम क्रम में उस क्रम में गति कर रहे हैं। बिल्कुल 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 भैया जी, भैया नमस्ते, बहुत बढ़िया चर्चा, नमस्ते भैया। आपने सुना मेरी बात? नहीं सुना अभी। हाँ बिल्कुल भैया, सुनना होगा ना कि उत्तर में पूरा सुन ले है ना, नहीं तो वो बात पहुंचती नहीं है। जी जी, परिवार व्यक्ति समाज हर एक की बात करेंगे है ना, बट हमको दिखाई दे कि अल्टीमेटली हम हर मानव के सुखी समृद्ध होने के लिए योजना बना रहे हैं, अपनी भी और दूसरे की भी, और इस क्रम में हम ऐसा नहीं करें कि अनुभव संपन्न हो गए, हम भी अनुभव की ओर गति कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं हमारे बच्चे भी अनुभव की ओर गति करें कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अभी तो हम क्या बोलते हैं, को एक्सप्लोरर बोलो या वो पथिक है, वो राह पे चलने वाले पथिक है। जी जी जी, बढ़िया भैया, बढ़िया, नमस्ते भैया। भैया तो असाइनमेंट ग्रुप में देखें, तो ये हम देखें कि जो भी हमें समस्याएं दिखाई दे रही हैं व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, और समाज में भी गली मोहल्ले में, गांव में, देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर, या पूरी प्रकृति के स्तर पर, ये कुछ और नहीं बल्कि मानव लक्ष्य की ठीक से पूर्ति न होने कारण है। और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये जो मानव लक्ष्य की पूर्ति है ना, हो पा रही है, तो क्या इससे संभव है कि इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा पाए, ये अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात है। कि हमको लगता है कि नहीं, इन समस्याओं को जो हम समाज के स्तर पर देख रहे हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए तो कुछ और ही कार्यक्रम बनेगा। ये सब बात क्लासरूम टीचिंग के लिए ठीक है, सुनने कहने के लिए ठीक है, बट जब हमको समस्याएं दिखाई देती हैं तो हमको लगता है इससे निपटने का कार्यक्रम तो कुछ और है। तो फिर क्या होता है कि हम बहुत सारा समय लगाते हैं अपनी कल्पनाशीलता में ऐसे मुद्दों पे जो समाधान का हिस्सा ही नहीं है। तो अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो उसका स्थायी समाधान तो यह है कि संबंध का भाव स्थापित हो, स्थायी समाधान तो यह है कि अपने देश की सीमा में रहते हुए वो समृद्ध हो पाए, दूसरे के देश की सीमा को हड़पने की आवश्यकता ही न बने, बजाय इसके कि दोनों तरफ स्ट्रांग मिलिट्री पावर हो और है ना एक दूसरे के भय के कारण हथियार न उठाए जाए। तो इन सब चीजों को हम अपने आप में देखना शुरू करें, ये हमारे अंदर गहरी आश्वस्ति तैयार करेगा। नहीं तो क्या होता है कि
बातें हम सुनते हैं, बातें सब अच्छी लगती हैं, बट जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम से जाते हैं तो फिर हमको लगता है कि इसका समाधान तो कुछ और है, ये तो वैसे नहीं सुलझेंगे समस्याएं, है ना। तो ये भी बात अपने आप में सिग्निफिकेंट है, इसको ऑब्जर्व करना। फिर वो भी देखें कि आप अपने लक्ष्य को कलेक्टिव लेवल पर कैसा देखते हैं। कलेक्टिव लेवल का मतलब परिवार भी हो सकता है, परिवार समूह भी हो सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में जीने के लिए। और एक कंपेटिटिव स्टडी भी कर सकते हैं, ह्यूमन गोल को जो हम लोगों ने चर्चा किया, तो पहले रूप में जब रखा तो समाधान समृद्धि अभय संस्कृति के रूप में रखा, दूसरे रूप में रखा तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के रूप में रखा, तो आपस में किस तरह से वो समतुल्य है, किस तरह से वो एक ही बात को इंगित करने के लिए भिन्न भिन्न ढंग से रखा गया है, इसको हम अपने आप में देख सकते हैं। तो ये भी देख पाएंगे हम कि ये सिर्फ एक्सप्रेशन का अंतर है या उसका एसेंस भी अलग है। तो देखिए, अगर हमको दिखाई देता है कि हर मनुष्य में वही चाहना है ना, हर मनुष्य में वही क्षमता है समझने की, हर मनुष्य के समझने का वही कार्यक्रम है, तो फिर हम सब चीजों को अप्रिशिएट कर पाते हैं, उसके अर्थ में जाते हैं और उसके अर्थ को हम ठीक से देख पाते हैं। अगर कहीं परंपरा में रखने में कुछ चूक है तो उसको हम ठीक भी कर लेते हैं, अगर हमारे अपने रखने में कोई चूक हो रही है तो आगे ठीक करने की हम ओपननेस रखते हैं। ऐसा नहीं कि जो बात हमने कह दी अब वो हर पीढ़ी को वैसा ही लेके चलना है, अगर इससे बेहतर कोई भाषा बन सकती है तो उसके लिए भी हम खुले हुए हैं, है ना। पहले जो भाषाएं बनी हैं अगर उसमें कुछ सार्थकता है उसके लिए भी हम खुले हुए हैं, ओपन है कि हाँ उसको एक्सेप्ट करेंगे। मूल बात तो यह है कि हम उभय सुख के अर्थ में हर क्षण विचार करते हैं, आने वाली हर पीढ़ी कैसे सुख समृद्धि पूर्वक जी पाए ये हमारा प्राइम कंसर्न है, उसके लिए ये भाषा प्रयोग हो कोई और भाषा प्रयोग हो, है ना, ये मुख्य मुद्दा नहीं है। फॉर्मुलेशंस कई प्रकार से हो सकते हैं, मुख्य बात तो यह है कि जो अस्तित्व की वास्तविकताएं हैं उनका सही ज्ञान हो जाए, ठीक है ना। और आप पाएंगे कि समय समय के साथ भाषाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता ही रहता है, बट जो उसका अर्थ है वो ठीक से संप्रेषित हो जाए, ये महत्वपूर्ण है जी। बढ़िया, तो ये असाइनमेंट है, इसको लेकर कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, किन्हीं का कोई प्रश्न हो। ये बात पूरी स्पष्ट हुई जो रखी गई, तो आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर दीजिए। तो हमने मानव लक्ष्य को दो प्रकार से रखा, समाधान समृद्धि अभय और सहस्तित्व, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये दोनों फॉर्मुलेशन क्लियर हो पाए जी। अगर क्लियर है बहुत अच्छी बात है, उपलब्धि की बात है, और ये अगर इतनी सहजता से हो पा रहे हैं हमारे को जी। नमस्ते भाई, ये नमस्ते भैया, ये अर्थ धर्म और काम और मोक्ष की जो बात की गई है, इसके इसके क्रम में भैया जो अभय सुख की व्यवस्था है इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए। उभय सुख, अब देखिए जब हम धर्म पूर्ण विचार करेंगे, इनफैक्ट सही क्रम देखें तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, तो हम जब धर्म पूर्ण विचार करेंगे तो दूसरे के सुख के अर्थ में ही तो विचार करेंगे, और हमको ये भी दिखाई देते मेरा सुख और दूसरे का सुख एक ही है, तो मेरे भाव विचार में दूसरे का सुख तो शामिल रहेगा ही। कि नहीं, वैसे ही जब हम जिसको काम कह रहे हैं तो हम इस बात के लिए प्रयास करें कि हर व्यक्ति में समाधान की सुलभता हो जाए, हर व्यक्ति के अंदर इसकी स्वीकृति बने, मानवतापूर्ण आचरण की स्वीकृति बने, उसके लिए काम करेंगे, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी वो बनी रहे, इसके लिए काम करेंगे। तो सिर्फ दूसरे के सुख नहीं है, परंपरा की बात कर रहे हैं। जी, ये बात स्पष्ट हो गई। जी का प्रश्न है, हाउ डू वी नो सेल्फ हैज अटेन्ड मोक्ष। देखिए, जब आप अटेंड करेंगे तो आपको खुद ही दिखेगा, जैसे आपको दिखता है कि आपके अंदर विचार की क्रिया हो रही है, कैसे दिखता है
वैसे ही जब आपके अंदर संबंध का ज्ञान होगा, व्यवस्था का ज्ञान होगा, अस्तित्व का ज्ञान होगा, तो अपने आप में ही दिखाई देगा वो। बढ़िया दीदी, कोई प्रश्न है तो अगला पीपीटी लगा लेते हैं। तो हम लोगों ने विवेक पे चर्चा की, अब विवेक के साथ अब विज्ञान पे चर्चा करेंगे। तो जो तीसरा पॉइंट है ज्ञान विवेक, उस पर विज्ञान। तो विज्ञान की जब बात करेंगे तो विज्ञान में व्यवहार का विज्ञान, कार्य का विज्ञान, भागीदारी का विज्ञान, सब पे चर्चा करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये है, हम लोग तो अब एज हो गई हम लोगों की, अब इतना लेट हम लोगों को इन चीजों का ज्ञान मिला है। अब मेरी जो ये वाली जनरेशन है ये तो शायद इतना इम्प्रूव नहीं कर पाए, तो शायद जो और आगे आने वाली जनरेशन है उसमें हम शायद थोड़ा सा इस ज्ञान को आगे बढ़ा सके। और पर ये जो बीच का जो गैप रह गया है इसमें थोड़ा सा हो रहा है कि ये गैप कैसे पूरा कर पाएंगे। अब आगे का टाइम भी कम है हमारे पास और पीछे तो हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं टाइम। पर ये है कि और बच्चों के लिए तो हम लोग सोसाइटी में वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर। देखिए अभी आपके पास 50 साल और है काम करने के लिए। नहीं सर, ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि मेरा बच्चा तो अब इतनी जल्दी इन चीजों को समझेगा नहीं। हम तो चलो हम लोग का हमें समझना था और हम समझ भी पाए, कुछ एज भी रही हम लोगों की, पर मगर मैं अपने बच्चे को समझाने जाती हूँ तो वो अपने थोड़ा सा उसको टाइम लग सकता है, इतनी जल्दी तो नहीं समझ पाएगा वो ज्ञान को इस। अब ठीक है ना, देखिए इनफैक्ट ये सारे स्तर पे काम एक साथ होता है। तो हम अपने अंदर जितनी गंभीरता बारीकी से काम करेंगे, निष्ठा से काम करेंगे, उसको बच्चा ऑब्जर्व करेगा। तो हम अपने आप में कितनी निष्ठा से जी रहे हैं सही के अर्थ में, संबंध व्यवस्था अस्तित्व के अर्थ में, ये बच्चे को दिखाई देता है। इससे बच्चे के अंदर प्रेरणा बनती है, उसको अप्रिशिएट कर पाता है। तो बच्चे को भी समझाने के मूल में तो मेरा अपना आचरण ही है। और फिर हमें ये भी दिखाई देता है उस आचरण के साथ जीतेंगे कि सिर्फ ये बच्चा मेरा नहीं है, ये अगली पीढ़ी मेरी है, तो मुझे इस पूरी अगली पीढ़ी के लिए काम करना है। और जो अभी पीढ़ी है उसके लिए हम जब ठीक से काम करेंगे तो उसके जो अगली पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिलेगी। इसलिए किसी भी समय में, किसी भी काल में ये स्थिति तो बनी ही रहेगी। जिस समय हमें समझ में आ गया या आ रहा है उसमें हमसे जो आगे की पीढ़ी है वो भी दिखाई देता है, जो पीछे की पीढ़ी वो भी दिखाई देता है। और अल्टीमेटली सबकी चाहना वही है, है ना। इतना जरूर सकता है कि किसी के अंदर मान्यताएं ज्यादा हो गई, किसी के अंदर मान्यताएं कम है। जिसके अंदर मान्यताएं कम है, है ना, वो ये मान के चल रहा है कि ये लोगों तो सारा कुछ एक्सपोजर ले लिया और हमें समझा रहे हैं। जिसके अंदर मान्यताएं ज्यादा है वो सोचता है हमने इतना ज्यादा एक्सपोजर ले लिया कि उसको अंडू करना मुश्किल है। तो दोनों के साथ कठिनाइयां हैं। अगर आप एक नई पीढ़ी के छोटे बच्चे से काम शुरू करिए तो उसके अंदर ये भाव होता है कि देखो ये तो पूरी दुनिया घूमा है, सारी संवेदना का सुख ले लिया और हमें समझा रहे हैं। हाँ जी, यही प्रॉब्लम होती है कई बार, ऐसा ही होता है। क्लास में भी ऐसे ही कितने सारे बच्चे होते हैं भाई, उसमें से कुछ थोड़े ही इस चीज को कैप्चर कर पाते हैं। जी, तो दूसरों के मन में यही बात आती है, खुद तो ले लिया और हमें अब ये ज्ञान दे रहे हैं। जी जी, है ना। तो जिनके अंदर मान्यताएं नहीं बनी है उनकी अपनी फसावट है, जिनके अंदर मान्यताएं बन गई है उनकी अपनी फसावट है। आप पाएंगे कि एक ट्राइबल एरिया में अगर आप जाइए तो आप पाएंगे उनका जीना प्रकृति के साथ पहले से काफी ठीक है, बट आप जब उनके साथ काम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनका बहुत सारा एक्सपोजर भी नहीं हुआ है, एक्सप्लोरेशन कुछ शार्पनेस के साथ हो सकता ना हो पा रहा हो। तो जिनके सही जीने के लिए एक अनुकूल वातावरण बना हुआ है उनके अंदर जांच परख की प्रक्रिया शुरू करना मुश्किल पड़ रहा है, और जिनके अंदर जांच परख की प्रक्रिया शुरू हो पा रही है उनके चारों तरफ वातावरण में कठिनाई बनी हुई है। तो आपको हर जगह ये कुछ पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव्स, कुछ अनुकूलता, कुछ प्रतिकूलता दिखाई देगी हर जगह। इसलिए इसी देश में, इसी काल में, इसी स्थिति परिस्थिति में काम शुरू कर दे, यही एकमात्र समाधान है। ठीक है सर। जैसे मेरे से पहले मेरे साथी ने बताया कि हम पाथे क्या है पथ में, तो हम पथ में चलना तो शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे आपके गुरुओं के आशीर्वाद।
बिल्कुल बिल्कुल जी, 50 साल और है, मैंने बताया ना आपको काम करने के लिए। ये तो एक जोक लगता, पता नहीं एक पल का भी पता नहीं होता। तो हमारे तो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि हमें एक सांस आया दूसरा सांस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ये सब आगे की बातें, उसपे हम इतना ज्यादा अगर जिम्मेदारी से सोचें तो जितनी सांसें हमने ली हैं उनका हम ठीक से मूल्यांकन करें, कितना सदुपयोग किया कितना दुरुपयोग किया, और अगली जो सांस लेने वाले हैं उस सदुपयोग के प्रति गंभीर हो जाएंगे फिर हम, कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही सर, बिल्कुल ठीक। बढ़िया दीदी, भैया जी ये चीज जो अभी बात चल रही थी उसी कंटिन्यूटी में मैं कहना चाहूंगी, एक तो दीदी जी से ये कि जो भी अभी हमारी सांसें हैं कम से कम अब वो सार्थकता में लग गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस शरीर यात्रा की। तो जी। आगे भी ताकि हम इसी डायरेक्शन में जो भी कर पाएंगे वो कुछ तो कुछ सार्थक ही होगा अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी और अपनी अगली शरीर यात्रा के लिए, ये मुझे। इस यात्रा में तो हम तनाव मुक्त हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए, है ना, जो अतीत की पीड़ा भूल गए, जो विरोध में अभी जीना बन जा रहा है ना, उन सबसे मुक्त हो जाए। बिल्कुल। और मेरा एक ये प्रश्न जो था, जैसा मैं भी अभी देख पा रही हूँ, जैसे दीदी जी ने शेयर किया कि अभी तक मैं मतलब बाकी भी देख पा रही हूँ कि कहीं पे भी शेयर करते हैं तो एक ये लगता है, मैं अपने घर में बच्चों में भी ये देखती हूँ कि उनको ये लगता है देखो अभी तो ये सारी चीजें वो ही समझता है, ज्ञान की बातें वो ही समझता है जो फाइनेंशियली फुलफिल्ड हो। तो अभी पहला काम तो फाइनेंशियल पे ही करना है, मतलब अपनी जितनी भी जो समझ स्किल आई है उससे एक लेवल पे फाइनेंशियली पहुंचना है, उस वो सेटिस्फाइड हो जाए फिर ये काम है, ऐसा ही मतलब कन्वे कर पा रही हूँ मैं भी जो देख पा रही हूँ गैप। तो ये कैसे रिजॉल्व होगा या मैं कन्वे नहीं कर पा रही हूँ? नहीं, बच्चा मान रहा है या आप मान रही है ऐसा? नहीं, बच्चा बच्चे की बात कर रही हूँ भैया मैं। तो वही बच्चों को भी दिखाई दे कि धर्म पहला लक्ष्य है फिर अर्थ। ये अर्थ को पहले प्लेस करने से उलझ जाते हैं, जैसे समृद्धि को आप पहले प्लेस करें समाधान को बाद में, तो उलझ जाएंगे। तो समाधान पहला लक्ष्य, क्योंकि समाधान से ही सुविधा की आवश्यकता तय होगी, नहीं तो समृद्धि का भाव कैसे होगा? अच्छा जी जी बिल्कुल भैया जी, बढ़िया दीदी। थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि मुझे और समझने की जरूरत है, और एक्सप्लेन भी इसीलिए नहीं कर पा रही शायद कि मैं ही अभी पूरा नहीं समझी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो देखिये पहली जिम्मेदारी तो अपने में ज्ञान की पूर्णता के अर्थ में है ना, उस जिम्मेदारी को छोड़कर दूसरे प्रति जिम्मेदार होने जाएंगे तो हम भी फंसेंगे दूसरा भी फंसेगा और कहीं ना कहीं अन्याय शुरू हो जाएगा। जिस बात को स्वयं जीने के तत्पर नहीं है दूसरे को प्रेरित करें तो अन्याय तो वहीं से शुरू हो गया ना। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चला है, आज की चर्चा हमें यहाँ रोकनी होगी, दो हैंड्स रेज्ड हैं बट मुझे लगता है कि फिर कर लेते हैं प्रश्न को। सभी को धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते सभी को।